G20 समिट की मीटिंग की तैयारी दिल्ली में मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रगति मैदान के बाहर हूं इस समय, आप ये देख सकते हैं। सभी G20 देशों के फ्लैग यहां लगे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, कमांडोज का पूरी दिल्ली में वो क्षेत्र जहां ये समिट होनी है, मैं इस समय प्रगति मैदान के बाहर हूं। मेरे बाईं ओर प्रगति मैदान है, एक बार आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं किस प्रकार से यहां गमले लगाए हुए हैं। रात्रि में दिल्ली और चमक जाएगी। क्या हुआ, वो भी आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। ये देखिए, मैं भैरव मार्ग की ओर पुड़ रहा हूं। यहां भी सभी 20 देशों के झंडे लगाए हुए हैं। ये वो स्थल है पुराना किला के सामने, जो पहले प्रगति मैदान था। अभी हम चलते हैं आगे। ये देखिए किस प्रकार से दिल्ली में सौंदर्यकरण किया गया है। प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 और 5 के बाहर का दृश्य, G20 वासुदेव कुटुंबकम, कैसी जोरदार तैयारी चल रही है। परसों से ये कार्यक्रम 2 दिन की बैठक रहने वाली है। यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जी, कला का कितना अद्भुत नमूना यहाँ सामने पेश किया गया है। इधर फिर पूरी दिल्ली में कितना सुंदर, भैरव मंदिर के सामने से इस समय हम जा रहे हैं। देश बदल रहा है, इस समय हम पुराना किला के सामने से जा रहे हैं। अब हम प्रगति मैदान से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। बाईं ओर प्रगति मैदान, भारत मंडपम,
प्रगति मैदान का नया नाम आप देख सकते हैं भारत मंडपम आपके सामने है। ये प्रवेश द्वार होगा G20 के समिट का। कितनी अद्भुत व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली सच में दुल्हन की तरह सज चुका है G20 के लिए। सबसे बड़ा चौराहा है, इसे सतराहा भी कह सकते हैं। आप इस चौराहे पे देखिए सभी देशों के ध्वज इस चौराहे पर भी लगे हुए हैं। कितना सुंदर गार्डन बना हुआ है ये। हम एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं इसका। अफ्रीकन यूनियन, ये भारत के तिरंगे। ये देखिए किस प्रकार से सुंदर दो हाथी इस तरफ लगाए हैं। अकबर रोड का दृश्य है ये और दूसरी तरफ भी ये दो मार्बल के ये हाथी लगे हैं। सुंदर इसको सजाया गया है। ये हम तीन मूर्ति भवन या प्रधानमंत्री संग्रहालय।
जय हो। ये एयरपोर्ट के पास देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए मोदी जी का शेर दहाड़ता हुआ, अब वो चुप रहने वाला शेर नहीं है, ये भारत का असली शेर। ये देखिए मोदी है तो मुमकिन है। ये एयरपोर्ट के पास देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए मोदी जी का शेर दहाड़ता हुआ, अब वो चुप रहने वाला शेर नहीं है, ये भारत का असली शेर। ये देखिए मोदी है तो मुमकिन है। ये होटल आईटीसी का मोरिया, जहां सभी गणमान्य अतिथि ठहरने वाले हैं। इसकी भी जबरदस्त सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस वाले हैं। आईटीसी का मोरिया, ये देखिए जी भारत 2023 और इंडिया नंबर 2 पे आ गया है, वासुदेव कुटुंबकम G20। मोरिया के बाहर ये दृश्य बना हुआ है, जहां हमारे सारे अतिथि रुकने वाले हैं। बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है,